तो ही गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिगेस्ट स्कैम ऑफ बीजीएमआई के बारे में। बिगेस्ट स्कैम मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे बीजीएमआई वालों ने हमारा काट दिया है, वो वाली स्कैम के बारे में। तो गाइस क्या स्कैम है, चलो सबसे पहले तो मैं गेम के अंदर चल के आपको बताता हूँ। तो गाइस ये देखो मेकाफिजन, ये जो मेकाफिजन है, 4 डेज मेकाफिजन ये जो दिख रहा है, सबको ही दिख रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्या ये अपडेट 4 दिनों में आने वाला है? तो गाइस लिटरली मैं बता दूं, आप सभी लोगों का ये सी काट दिया गया है, ठीक है। ये कोई भी अपडेट जो मेका फिजन का है बीजेएमआई के अंदर 4 दिनों के अंदर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब इसके पीछे क्या प्रूफ्स है और क्या रिलेशन है और क्यों ये शो कर रहा है, ये सब हम मैं आज के वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं अपने रैंक के अंदर, ये जो स्काई वाला इवेंट है इसके डेट का, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे पता चलता है ये इवेंट कितना दिनों तक है? तो गाइस जनरली जो भी इवेंट आता है वो 45 दिन से 60 दिन के बीच में रहता है, ठीक है। और बीजीएमआई के अंदर भैया ऐसा कोई भी वो डेट वेट मेंशन नहीं करते है, कौन सा इवेंट कब आ रहा है, उनको सस्ते न से उनको जब मन करता है जो भी इवेंट देने का वो दे देते हैं, ठीक है। बट सिंपली हम लोगों को यहाँ पे जाना है सीजन के अंदर, ठीक है। और सीजन के 2-3 दिन पहले हर बार अपडेट खत्म होता है। अब ठीक है, अगर आप ओवर ब्रिलियंट हो तो अलग की बात है, बट आपको भी ये बात पता होगी 2024 5:30 सीजन का डेट है, ठीक है। मान लेते हैं भाई बीजीएमआई बहुत मेहरबान हो गया, फिर भी भाई वो इसके 1 वीक पहले अपडेट खत्म कर सकता है, उसके जस्ट 15 दिन 20 दिन पहले अपडेट नहीं खत्म कर सकता। और नया अपडेट के साथ वही सीजन 15-20 दिन पहले, तो आई डोंट थिंक कि कभी भी स्टार्ट हुआ है। और दूसरा यहाँ पे प्रूफ क्या निकल गया था ना गाइस, आपको याद होगा आज बीजीएमआई के अंदर एक अपडेट आया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 0.7 MB का अपडेट था वो, और 0.7 MB के अपडेट के बाद ही ये सबको शो होना है। और भाई 0.7 MB का जो अपडेट था ना, सेम डे पे सेम टाइम पे पबजी मोबाइल के अंदर भी आया है। जी हाँ, पबजी मोबाइल के अंदर सेम डे पे सेम टाइम पे सेम अपडेट आया है, एज कम्पेयर टू बीजीएमआई पे सेम डे पे सेम टाइम पे सेम अपडेट आया है, ठीक है। और भैया ये दोनों सेम डे सेम टाइम पे इसलिए आए हैं, इसलिए यहाँ पे टकराया है क्योंकि यहाँ पे डेवलपर्स ने सस्ते नशे किए और गेम का पैच का अपडेट डायरेक्टली रिलीज कर दिया, ये बिना जाने हुए कि भैया इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। और मैं बता दूं कि कभी भी आज तक इतिहास उठा के देख लो, जिस दिन पबजी का अपडेट आया उस दिन बीजीएमआई का अपडेट कभी भी नहीं आया है। और भैया जब से बीजीएमआई रिलीज हुआ है ऐसा ही चलता है, कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाते थे बीजीएमआई के अंदर अपडेट आने में। तो पबजी को यहाँ पे आ रहा है अपडेट 12 या 13 को पबजी मोबाइल के अंदर अपडेट आ जाने वाला है और सबको 13 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया बीजीएमआई मैक्स टू मैक्स अपना फुल पोटेंशियल के साथ भी काम कर लेना, तो कट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो उनको 2 दिन का टाइम लग जाता है, तो ऑब्वियसली उनको 2 दिन लगने वाले हैं एटलीस्ट इस अपडेट को बनाने में। फिर पैच नोट्स रिलीज करेंगे, पैच नोट्स में बीजीएमआई का एडिट होगा, फिर उसको वीडियो अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन बाद वो रिलीज करेंगे। मतलब मैक्सिमम भी अगर वो आउटपुट लगा के दे देना, फिर भी ये 18 तारीख से पहले अपडेट नहीं दे सकते। और 20 तारीख जो टेंटिकल डेट मानी जा रही थी इस अपडेट की, वो मुझे पता है, ठीक है, लीक्स की तरफ से हम लोग को पता चल जाता है। तो भैया 20 से 21 तारीख तक इस अपडेट का कुछ ना कुछ न्यूज या फिर ये अपडेट खुद ही आ जाने वाला था गेम के अंदर। बट भाई ये लोग सस्ते नशे करके पबजी के साथ डायरेक्टली ये पैच अपडेट कर दिया है। और भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि तुमको ये अपडेट रिसीव होने वाला है 3 दिन बाद, तो ये सस्ते नशे में बिल्कुल भी मत रहना। और भैया इसका प्रूफ क्या है तो मैंने तुमको पता ही दिया, बीजीएमआई का हिस्ट्री कैसा है और बीजीएमआई के अंदर क्या क्या होने वाला था और कब अपडेट आने वाला था। तो जो भी बंदे कंफ्यूज है कि 4 दिन बाद ये मेकाफिजन का अपडेट आ रहा है वो इसको खेलेंगे, तो भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ एक स्कैम हो चुका है, तुम्हारा ओवरऑल काट लिया गया है। और लिटरली गाइस एक मुंबई इंडियंस का क्रेट भी आ रहा है, तो चलो वो भी देख ही लेते हैं कैसा क्रेट है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी तो पैसे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई सीधा पढ़ते हैं मुंबई इंडियंस के क्रेट की तरफ। तो गाइस जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, मुंबई इंडियंस का ये क्रेट है और भैया इसमें मुंबई इंडियंस के आउटफिट है। हालांकि आउटफिट काफी कमाल का ये मिथिक मुझे लगा, पर्सनली इन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके डिजाइन किया इसको, और ऑब्वियसली करेंगे क्यों नहीं, पैसे जो छाप रहे हैं, वरना ये 1 रुपए बिना काम के करने नहीं वाले कुछ। और भैया ये लेवल 20 पे देख सकते हो, ये मिथिक हम लोग को परमानेंट मिल जाने वाला है। और बाकी तुम लोगों को यहाँ पे ओवरऑल स्कैम ही है, इवेंट और कुछ भी नहीं है भाई। एक आउटफिट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कुछ टाइम लिमिटेड और सस्ता सा टट्टी सा चीज मिलने वाला है। एक पैरासूट मिलने वाला है तुमको टाइम मतलब परमानेंट, और एक आउटफिट
बाकी ओवरऑल यही है इनका, मतलब जो काटने वाला स्कीम होता है वही काट रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तुम लोग को यहाँ पे एक पैरासूट, उसके बाद कूपन, उसके बाद 50 UC वाउचर, सिल्वर, टाइम लिमिटेड आउटफिट, फिर 3 कंपेनियन के फूड, मतलब भाई क्या देना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो भाई। ये सब चीजों के लिए हम लोग सब्सक्राइब करें 500 UC भाई, मतलब लिटरली समझ रहे हो, एक मिथिक के लिए हम लोग 500 UC स्पेंड करते हैं भाई। 500 UC में हम लोग 5 रॉयल पास ले लेंगे और कितने क्रेट भी खोल लेंगे, ठीक है। तो भैया कोई जरूरत नहीं है ऐसे में, कोई भी इतना खास आउटफिट नहीं है, ठीक है अच्छा है आउटफिट, बट 500 UC बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। अगर तुमको पसंद आता है तो तुम ले सकते हो, अदरवाइज तो भैया मुझे तो किसी भी लायक का ये आउटफिट नहीं लग रहा है। और बाकी लेवल्स भी हम लोग देख लेते हैं और इसका क्रेट्स भी देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। वो ओवरऑल वो भी खराब ही होने वाला है जहां तक मुझे पता है भाई, ये लोग कुछ भी अच्छा नहीं देने वाले, ठीक है। तो भैया आप देख लो, तुम लोग लेवल 20 तक भी देख लिए और सब कुछ देख लिए, डासिया की स्किन भी यहाँ पे टाइम लिमिटेड में डाल रखी नल्लो ने, इनको यहाँ पे परमानेंट देना चाहिए था इसको डायरेक्टली लेवल 17 पे, लेकिन नहीं भाई, अगर परमानेंट दे देंगे तो क्रेट ओपनिंग के पैसे कैसे छापेंगे। तो भैया इन्होंने क्या किया, डासिया की स्किन जो है ना वो भी यहाँ पे क्रेट ओपनिंग के अंदर डाल दी है। और गाइस यहाँ पे तुम लोग को मिनी मटेरियल भी एक देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनी मटेरियल का वर्थ मान लो तो 50 UC 100 UC इतना मान लो। तो भैया ओवरऑल ये गेम जो है ना गेम ऑफ अर्निंग बन चुका है, इस पे जितने पैसे तुम फूक दोगे ये उतना ज्यादा तुमसे और फुकवाएंगे। और लिटरली भाई यहाँ पे देने के लिए इनको कहा जाए कुछ आइटम तो घंटा कुछ भी नहीं देने वाले, ठीक है। तो गाइज वेल यही था आज की वीडियो के अंदर, अगर तुमको आज की वीडियो थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, 3.2 अपडेट का जो मेका फीजन अपडेट है ना उसका गेम प्ले देखना चाहते हो तो भैया ये वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में मैं दे दूंगा। ये मेका फीजन मैंने खुद खेला है बीटा वर्जन के अंदर, तो भैया जाकर के देखो कैसा अपडेट है, क्या फीचर्स है, कैसे है, तुमको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। और भैया नया अपडेट आ रहा है तो थोड़ा प्रोफेशनल बन जाओ, थोड़ा प्रो बन जाओ, जाकर के ये वीडियो देखो और सारी चीज पहले ही जान लो, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने एक महीने पहले डाली पर पता नहीं अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ जल्दी जाओ, क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। और यस बाय बाय।